सबसे पहले बात दीपोत्सव की। 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हो गया है। लोगों में दिवाली को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेश भर में बाजारों में रौनक दिख रही है। धनतेरस के मौके पर बाजारों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस पर सोना, चांदी, वाहन, वस्त्र, बर्तन खरीदना शुभ होता है, इसलिए लोग आज चांदी के सिक्के, नए वाहनों के साथ जमकर बर्तन की खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस पर जमकर धन बरस रहा है। वहीं जयपुर सहित तमाम शहरों में दिवाली की रंग बिरंगी रोशनी आकर्षण का केंद्र है। दीपावली पर्व का शुभारंभ आज से हो गया है। तो 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज आज से हो गया है और आज आगाज के पहले दिन, धनतेरस के दिन, लोग बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार पूरी तरह से खरीदारों का स्वागत करने के लिए तैयार है। चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक कर तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, तमाम जानकारी शब्दों के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। जयपुर से दामोदर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौमू से प्रदीप सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीकानेर से रौनक व्यास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। क्या कुछ चल रहा है आज दीपोत्सव के पहले दिन, धनतेरस के दिन, दामोदर? दिवसीय दीपोत्सव का जो उल्लास और उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, राजधानी जयपुर में तो खास तौर से आपको जो लाइटिंग है वो आकर्षित करती हुई दिखाई देगी। जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर की बनावट जहाँ देश दुनिया में प्रसिद्ध है, तो वहीं यहाँ की लाइटिंग भी, दीपावली पर्व पर जो लाइटिंग रोशनी होती है वह भी पूरी देश दुनिया में मशहूर है। और इस लाइटिंग को देखने के लिए देशी नहीं विदेशी पर्यटक भी पहुँचते हैं। खास तौर से रात को यहाँ खुली जीप में घूमते विदेशी पर्यटक भी देखे जा सकते हैं। तो अभी आप जो रोशनी देख रहे हैं और इस रोशनी के साथ जो भीड़ नज़र आ रही है, ये वो भीड़ है जो इस दिवाली पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही है। चाहे सोने चांदी की बात हो, कपड़े या फिर वाहन सहित अन्य जो सामग्री आज धनतेरस पर जो खरीदारी की जाती है वो आज के दिन शुभ माना जाता है। और ख़ास तौर से जो शास्त्रों में लिखा गया है कि धनतेरस की जो खरीदारी की जाती है उसमें जो सुख समृद्धि और जो धन की वृद्धि होती है, ऐसे में लोगों की मान्यता भी है। और ऐसे में धनतेरस को लोग सबसे ज़्यादा खरीदारी भी करते हैं और इससे व्यापारियों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है, खुशी देखने को मिल रही है। जो लाइटिंग है वो आज जयपुर की जो चार दीवारी की जो लाइटिंग है वो जयपुर के महाराजा पद्मनाभ सिंह के ने स्विच ऑन करके इसका शुभारंभ किया। और सभी व्यापारी आज यहाँ पर जो मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके की जो लाइटिंग है आज पूरे जयपुर में की गई है और ख़ास तौर से क्या इसका महत्व है। तो सर, आज स्पेशली लाइटिंग की गई है, महाराजा साहब ने इसका शुभारंभ किया है, वो काफ़ी आकर्षित होती है। आज का बहुत शुभ पर्व है। पूरे भारत के अंदर जयपुर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सजावट पूरे भारत में यही की जाती है। बाहर के जितने भी टूरिस्ट हैं पूरे भारत के और पूरे इंडिया के और पूरे विश्व के लोग आज ये डेकोरेशन देखने आते हैं। और प्रदीप जी मित्तल जो यहाँ के भामा साहब चौरास्ता व्यापार मंडल के, इनकी देन है कि इतना बढ़िया डेकोरेशन, मैं चाहता हूँ कि इसको फर्स्ट सेकेंड प्राइज मिले। कितना उत्साह लोगों को देखने को मिल रहा है, व्यापार में कितना वृद्धि देखने को मिल रही है, कितनी खरीदारी हो रही है? देखिए, व्यापार के अंदर कुछ वो हैं जिनके अंदर तो अभी कुछ व्यापार में डेवलपमेंट्स नहीं हुआ है, लेकिन गोल्ड में है, कपड़े में है, इसमें व्यापारियों को बड़ा उत्साह है इस टाइम पे, क्योंकि कुछ तो शादी ब्याहों का है और कुछ ये मौसम चेंज हो रहा है, उस वजह से लोगों में बड़ा उत्साह है। 2 साल बाद में, कोरोना के बाद में यही एक साल ऐसा देखने को मिला है जिससे कि लोगों में एक उत्साह रहा है कि अपने 2 साल से सब लोगों ने कोई खरीदारी नहीं कर पाए थे तो अब वो उस चीज़ के अंदर लगे हैं, तो कुछ मार्केट के अंदर उठाव आना शुरू हुआ है। विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव के दौरान सर
कह रहे हैं कि दिवाली का जो फेस्टिवल उससे तो खरीदारी है, लेकिन चुनाव होने से और खरीदारी ज्यादा बढ़ गई है, कैसे? बिल्कुल बढ़ गई, कारण कि विधानसभा चुनाव जो राजस्थान का भी 25 नवंबर को होने वाला है, ऐसे में इतने व्यापार को जैसे झंडे हैं, पेंट है, होर्डिंग वाले हैं, इसके अलावा डिफरेंट तरह के आयोजन होते हैं, माइक स्टैंड साउंड इवेंट, सबका व्यापार बढ़ रहा है। मैं जानता हूं कि कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार चुनाव के कारण और ये इवेंट वाले को और टेंट वाले को और इनको सबको मिलेगा। और निश्चित रूप से ये दिवाली जो 2-3 साल के कोरोना के बाद इस बार आयोजित हो रही है, ऐसे तो दिवाली का हर रंग पूरा रहता है, लेकिन इसमें देश विदेश के इतने पर्यटक यहाँ आते हैं। चलिए मैं आ रहा हूँ दामोदर आपके पास फिर से। चौमू से प्रदीप सोनी भी अब मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपको बीकानेर लिए चलते हैं रौनक व्यास के पास। रौनक, तस्वीरें दिखाइए, बात कीजिए लोगों से, जानने की कोशिश कीजिए आज दीपोत्सव के पहले दिन कितना उत्साह लोगों में, साथ ही जानने की भी कोशिश कीजिएगा रौनक, आचार संहिता लगी हुई है और कुछ नियम कायदे हैं कैश को लेकर, क्या उसका असर बाजारों पर नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, 5 दिन का दीपोत्सव जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है आज, क्योंकि बड़ा दिन है, धनतेरस का दिन, और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। आप देखिए बीकानेर के कोटगेट इलाके में मैं मौजूद हूँ, भव्य रूप से कोटगेट को सजाया गया है, पूरा मार्केट है। हालांकि देखिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से ट्रैफिक सिस्टम जो है उसे यहाँ पर रोक दिया है, क्योंकि देखिए भारी संख्या में जिले के तमाम जगहों से लोग जो है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि देखिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि धनतेरस का दिन है, बर्तन खरीदना, सोने चांदी के आभूषण खरीदना और उसके साथ साथ वाहन खरीदना, ये 3 चीज़ों पे मुख्य रूप से फोकस मिलता है। हालांकि देखिए बीकानेर पूरी दुनिया में अपने मिठाई नमकीन के लिए जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं मिठाई ये कहा जा सकता है कि जब आप बीकानेर में मिठाई ना हो तो दिवाली जैसा त्यौहार जो है वो अधूरा माना जाता है। बहुत तरह की 500 तरह की वैरायटी जो है बीकानेरी मिठाई और नमकीन की इन दिनों देखने को मिल रही है। भारी संख्या में ग्राहक जो है मिठाई खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को पूरे देश में मिठाइयां भेज रहे हैं। हालांकि देखिए आचार संहिता की आपने बात की, निश्चित तौर पर पटाखों व्यापारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा जो 50,000 से कम रुपए लाने की जो छूट है उस पर कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल रहा है आचार संहिता के चलते। हालांकि देखिए तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा सहयोगी से वो कहे दिखाते रहे किस तरह से अलग अलग तरह की पैकिंग्स मार्केट्स में देखने को मिल रही है, वैरायटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर पूरा बाजार जो है आज ये कहा जा सकता है कि धनतेरस के रंग में रंगा हुआ, दिवाली के रंग में रंगा हुआ है। किस तरह की तैयारियां, मैं बातचीत करता हूँ सर क्या कहेंगे, देखिए विशेष तैयारियां खासतौर पर बात की जाए, पूरा मार्केट सजा हुआ है, दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। आज क्या कुछ खास, बीकानेर पूरी दुनिया में मिठाई नमकीन के लिए फेमस है, उसके लिए तो कहना नहीं पड़ेगा, बीकानेर अपना आप मिठाई के लिए प्रसिद्ध है और दिवाली की तैयारियां हैं पूरे जोर शोर से हमने कर रखी है, और वो भी एक नए प्रारूप में, नए पैकिंग में, नए शब्दों के अंदर पूरा काम हमने जोर शोर से तैयारी की है। अच्छा, नमकीन क्योंकि कहते हैं कि बीकानेर की मिठाई नमकीन ना हो तो त्यौहार अधूरे माने जाते हैं। बीकानेर भुजिया तो अपने आप में है ही, वो तो दुनिया के अंदर अपने नाम बीकानेर का है, इस भुजिया की वजह से ही जो दुनिया में नाम गिना जाता है वो भुजिया है हमारी बीकानेरी। अब मिठाई में तो रसगुल्ला, सोन पापड़ी, इसके अंदर भी अग्रेसिव की ओर है। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं किस तरह से अलग अलग तरह की, यानी 500 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ, लोग ये सोचने पर हैरान है कि आखिर इस त्यौहार में क्या ले और क्या ना ले, क्योंकि ये अपने आप में कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है, क्योंकि देखिए हर तरह की मिठाइयाँ और ये मिठाइयों का रंग जो है ये आपके त्यौहार में खुशियाँ घोलता है, मिठास घोलता है, और कहीं ना कहीं मिठाई और नमकीन के शहर बीकानेर की ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। निश्चित तौर पर बाजार में जिस तरह की रौनक है वो भी मैं यहाँ पर कैमरा सहयोगी से कहूँ वो दिखाए। आप देखिए जिस तरह से बर्तन खरीदने को लेकर भी उत्साह है लोगों में, क्योंकि आज के दिन धनतेरस पर जैसे मैंने कहा कि सोना चांदी के साथ साथ बर्तन खरीदने की भी एक परंपरा यहाँ पर देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं बाजार पूरी तरह से गुलजार है, ये कहा जा सकता है कि चारों तरफ रौनक है, और खास तौर पर धनतेरस के साथ 5 दिन के दिवाली के त्योहार की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। जी चलिए चौमू लिए चलते हैं, प्रदीप सोनी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं चौमू से। चौमू प्रदीप, देखिए रौनक जिस तरह से बता रहे थे कि असर पड़ा है चुनाव आयोग की गाइडलाइन का, लेकिन चुनाव आयोग बार बार साफ कर चुका है कि आप अगर ज्यादा रकम लेकर निकलते हैं घर से तो उसकी डिटेल बता दीजिए, बस
आप साफ कर दीजिए, ये रकम कहाँ से आई, किस लिए लेकर जाई जा रही है, तो किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी। क्या उसका डर भी लोगों में दिखाई दे रहा है क्या? बात कीजिए यहाँ के लोगों से, दुकानदारों से, ग्राहकों से, और रौनक थोड़ी दिखाइए, क्या कुछ चल रहा है चौमू में आज धनतेरस के दिन? देखिए सुमित, निश्चित तौर पे आज धनतेरस का बड़ा पर्व है, दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार जो है आज से उसका आगाज हो गया है। राजधानी जयपुर के चौमू शहर की बात की जाए तो यहाँ करोड़ों का व्यापार होता है। यहाँ जिस तरह से ज्वेलर्स की दुकान में आज मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे होंगे, महिलाओं की भीड़ है, खरीदारी करने है के लिए आई है। साथ ही बर्तनों का भी यहाँ बड़ा व्यापार होता है, एक ज्वेलर्स की दुकान में है। थोड़ी देर पहले हमने जब ज्वेलर्स से बात कर रहे थे तो आचार संहिता की बात की जा रही है। इस दरमियान जो ज्वेलर्स पैकेट दूसरी जगह से बन के आते हैं उन पैकेट्स को मंगवाने में बड़ी दिक्कत ज्वेलर्स के सामने होती है। जिस तरह से जोधपुर में कोई काम होता है उस पैकेट को अगर यहाँ मंगवाया जाता है तो पुलिस उन्हें रोकती है। इस तरह की बात यहाँ के ज्वेलर्स बता रहे थे, दुकानदार से बात ही कर लेते हैं किस तरह का उत्साह है। कुछ महिलाएं भी हैं खरीदारी करने के लिए आई है, किस तरह का उत्साह है धनतेरस के दिन, क्या खरीदने आए आप? लक्ष्मी जी और गणेश जी खरीदने आए हैं, क्या खरीदने आए आप? सोना चांदी की खरीदारी हो रही है। आप बता रहे थे अभी कि आचार संहिता लगी हुई है, विधानसभा का चुनाव है, आप बता रहे थे कि पुलिस परेशान करती है दूसरी जगह से, सोना चांदी कहीं से आता तक बनते ने लेकर चेक या ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं और बिल से ही बेच रहे हैं और बहुत अच्छा व्यापार है चौमू में। इस वक्त ज्वेलर्स खूब अच्छी खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि भाव भी इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार इस वक्त कम है 22 कैरेट का, और यहां पर जयपुर से मेकिंग चार्जेस 50% है, इसलिए आसपास के यहां के सारे जितने भी कितना व्यापार होता होगा यहां पे भी यूं समझिए कम से कम 2 किलो 2.5 किलो सोने का व्यापार हो जाता है पूरे ज्वेलर्स। चलिए ठीक ठीक प्रदीप, तो आप तीनों सहयोगियों का शुक्रिया, दामोदर जयपुर से जुड़े हमारे साथ, चौमू से प्रदीप और बीकानेर से रौनक व्यास, आप तीनों का शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो रौनक